नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, आज की खबर महाराष्ट्र राज्य के निकाय चुनाव को लेकर। महाराष्ट्र राज्य में निकाय चुनाव की सरगर्मियां एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से चुनावी प्रक्रिया का आगाज हो चुका है, जिसकी पुष्टि आपको स्क्रीन पर दिखाई देने वाले इस आदेश से होती। दरअसल चुनाव आयोग ने सभी 14 महानगर पालिका, जिसमें मुंबई बृहन्मुंबई महानगर पालिका शामिल है, डोंबिवली, कल्याण, पुणे पिंपरी चिंचवड़, वसई विरार, नासिक, नागपुर, इस तरह से कुल 14 महानगर पालिका है जहां पर चुनाव होने हैं। उन 14 महानगर पालिकाओं को आदेश निकालते हुए उनके वहाँ की वार्ड रचना को आने वाली 17 मई तक पूरा करते हुए उसका प्रकाशन वेबसाइट के ऊपर और महानगरपालिका कार्यालय के अंदर किए जाने का आदेश दिया है। आप सभी जानते हैं कि ये 14 महानगरपालिका, जिसमें कुछ महानगरपालिका मुंबई महानगरपालिका समेत कुछ 4-5 महानगरपालिका जिनका कार्यकाल अभी हाल ही में फरवरी और मार्च 2022 में समाप्त हुआ था, तो वहीं वसई विरार महानगरपालिका समेत कुछ ऐसी महानगरपालिकाएं जिनका कार्यकाल जून 2020 में समाप्त हो चुका था, 2 साल पीटने को आया। लेकिन तब जून में कोरोना का प्रभाव था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं, चुनाव होने चाहिए। तब बीच के समय में चुनावी प्रक्रिया शुरू होने वाली थी और महाराष्ट्र शासन राज्य ने इन महानगर पालिकाओं में पैनल सिस्टम लागू किया, उसको लेकर फिर चुनाव आगे टल गए। फिर उसके बाद में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा अटक गया, जो आज भी ओबीसी आरक्षण जो है अब भी वो मुद्दा हल हुआ नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है चुनाव आयोग को कि ओबीसी आरक्षण को अलायदा रखते हुए आपको चुनाव लेना है, एक बार इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका और विधायिका, राज्य सरकार में ठन गई थी। राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से सभी अधिकार चुनाव कराने के अपने हाथ में ले लेते हैं। लेकिन चूंकि अभी 4 मई को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे तौर पर राज्य सरकार के उस फैसले को निरस्त करते हुए चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि 2 हफ्तों के भीतर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाए। तो उसी तहत चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी। इससे पहले चुनाव आयोग ने प्रारूप प्रभाग रचना कर दी थी और उस प्रभाग फरवरी महीने में पूरी प्रभाग रचना की जा चुकी थी, उसका अंतिम प्रकाशन सिर्फ बाकी था। लेकिन उसी दरमियान में सरकार ने उस प्रक्रिया को रद्द करते हुए वार्ड की रचना को रद्द कर दिया था। अब एक बार फिर से जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तब अब उन वही वार्ड रचना जो पहले की गई थी फरवरी में, उसी वार्ड रचना को अब 17 मई को प्रकाशित किए जाने का आदेश चुनाव आयोग ने दिया है। अब 17 मई को जब वार्ड रचना का प्रारूप वेबसाइट के ऊपर और महानगर पालिका में कार्यालय के ऊपर चस्पा कर दिया जाएगा, तो उसके बाद में इन वार्ड में महिला आरक्षण एवं SC ST आरक्षण को जाहिर किया जाना होगा और उस प्रक्रिया में करीब 15 से 20 दिन से लेकर 1 महीने का समय लग सकता है। जहां महिला आरक्षण और SC ST आरक्षण जाहिर हुआ और उसके बाद तुरंत ही चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, तो बहुत जल्द वसई विरार इन सभी 14 महानगर पालिकाओं में, जिसमें वसई विरार, मुंबई महानगर पालिका, डोंबिवली, कल्याण, पुणे, पिंपरी चिंचवड़, इन सभी महानगर पालिकाओं में चुनाव होने की पूरी संभावना, बल्कि शक्यता पूर्ण रूप से चुनाव होना ही है आने वाले कुछ महीनों में। तो ये एक बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे थे आज के लिए। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।